हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो आज जो है मेरा थोड़ा आप लोगों को अलग है सिखाने का, ये कोई एक फेस है, मुझे बड़ा पसंद आया तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। इसे तो बड़ा खूबसूरत फेस है। तो वो जो है मैंने कल आप लोगों को डॉट से बताया था, एयरबड से। वो आप लोगों ने देखा नहीं देखा मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा जो सोचना है कि आपको सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, भले उसे बनाए ना बनाए लेकिन नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। देखिए ये लेडीज़ फिगर और वो सब चीज़ें तो मैं हर हालत में फटाफट बना के आपको दे सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आप जो सब्जेक्ट है सब्जेक्टिव काम करोगे तो उसमें बहुत चेंज है। सब्जेक्टिव काम जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। मैं बहुत हल्की चलाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन एक्चुअल में मेरी प्रॉब्लम ये है, मेरा इरादा होता है कि मैं बिल्कुल हल्की वो चलाऊँ। पेंसिल उठाऊँ, ये इतना डार्क डार्क जो है ना वो मुझे पसंद नहीं है स्केचिंग में। मैं हमेशा सारे लोगों को बोलता हूँ कि अपनी स्केचिंग बिल्कुल सॉफ्ट और स्लो करनी चाहिए। बहुत सारे मैंने आपको लेफ्ट साइड के फेस बताए हैं, ये मैं आपको राइट साइड का फेस बता रहा हूँ। अच्छा, इसमें हम जो है ना वो शुरू से ही मैं आपको बता के चल रहा हूँ कि आपको विदाउट वाइट काम करना है। इसके अंदर आपको वाइट का यूज़ नहीं करना है। अगर आप वाइट का यूज़ नहीं करेंगे तो उसको वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, और वाइट का यूज़ करेंगे तो बिल्कुल डिफरेंट होगा। एक हल्का सा कपड़ा लगाना है मुझे इसको। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सर आएगा, ये हेयर का हुक्कट है, यहाँ पर कान का, गले का, ये हो गया। ठीक है, अब इसको आप ये ज़रूर रब ज़रूर करें, इस उससे बनाने के बाद थोड़ा थोड़ा रह जाता है जो आपके मतलब का उतना ही है, इससे ज़्यादा आपके मतलब का है भी नहीं। ग्रीन ये खोल लो, खोलो इसको। मैं विदाउट वाइट बता रहा हूँ आपको, मैंने बताया। और इसमें जो है देखिए, मैं एक कलर बना के दिखाता हूँ आपको। येलो है, येलो है, कैडमियम येलो है, ऑरेंज है, ठीक है, थोड़ा येलो और बनाएंगे, ये येलो हम यहाँ लिया, और थोड़ा सा माइनर सा ब्लू ज़रूर ले लिया, बहुत माइनर सा ब्लू, ये टर्किश ब्लू है। अगर आपके पास येलो होता है ना, येलो ब्राउन और दिखाते ना, ब्राउन और ब्लैक,
अगर आपके पास कैडमियम ग्रीन होता है, आप वो लेते हैं, तो वो इसका सबसे बेस्ट वो है। ये कलर हमने बना दिया जो स्किन कलर पे हम यूज़ करेंगे, बिल्कुल हल्का है, थोड़ा सा येलो और मिलेगा इसमें। पंखा बन गया, ठीक है। अब स्किन कलर का आपने अगर एक बार शेड बना दिया तो ये ही आपके लिए सफिशिएंट है, बाकी सब पे लगाने के लिए बहुत थोड़ा थोड़ा कलर चलाएंगे, बाकी इसको वाइट का जो वो है ना रिक्वायरमेंट, वो आप इसमें वाइट को ऐसे समझिए कि आपको कैनवस का ही एज लाइक ए सेम वाटर कलर आप बनाइए। वाटर कलर की तरह ही इसको इफ़ेक्ट दीजिए। इसमें आपका फ़ायदा ये है कि एक तो ये बहुत जल्दी ड्राई भी होगा और इसकी खूबसूरती जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव होगी। ये ठीक है, इस पे आप काम करिए, ये बहुत ही खूबसूरत वो है शेड, आप इसमें ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत हल्का। ये देखिए, ये मैं पतले ब्रश से कर देता हूँ, ये गीले पे ही करना है आपको, सूखने का इंतजार नहीं करना है। इसमें कलर भी बहुत ही नॉमिनल लगता है, बिल्कुल नॉमिनल, उसमें ओवर कहीं पर है ही नहीं, कुछ भी नहीं, और आप देखेंगे कि इसके बनने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ, अगर आप इसमें वाइट मिला देंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि वाइट जब मिल जाता है तो उसके अंदर कहीं पर आपका वाइट ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, पैलेट नाइफ के साथ आपको वाइट का यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन वो भी बताऊंगा मैं आपको, अभी पैलेट नाइफ का मैंने शुरू किया नहीं है ढंग से, अभी तो सिर्फ मैंने जो है वो बुद्ध के ऊपर काम करवाता हूँ आपको, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप लोगों को वो पेंटिंग ज़्यादा बहुत पसंद है। अब तो मैंने इतना बता दिया है कि आप बुद्ध की पेंटिंग बहुत इजीली जो है पेंट कर सकते हैं। एक ब्रश को आप पानी के साथ यूज़ करिए और एक ब्रश को आप बिना पानी के यूज़ करिए। ये यहाँ पर आप डार्क लगा दीजिए, ये डार्क लगाइए, ये यहाँ पर भी, स्प्रे से भी वाइट लगा वो पेंट कर सकते हैं इसमें, स्प्रे यानी वाटर स्प्रे। आज मैं आपको इसका रिवर्स भी बताऊंगा कि आप रिवर्स में यहाँ पर कान पे भी आप यही कलर करिए। बस ये ध्यान रखिए कि आप इसमें वाइट कलर को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी थोड़ा बढ़ा दीजिए आगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि माथा थोड़ा बढ़ेगा। बस इतना आपको करना है पहले उसमें, अब ये सूख जाएगा हल्के हल्के, बहुत ध्यान से रखिए, और इसका खूबसूरती आप जब देखोगे, जब कंप्लीट होगा
अच्छा इस साइड में अभी कलर नहीं करते हैं, इस साइड में अगर हम कलर कर देंगे तो ये जो मिक्स है ना यहाँ पर मिक्स हो जाएगा। ये हो गया। अब देखिए हमारे फेस में जितना हमें ज़रूरत थी काम करने की वो हमने कर दिया है, ठीक है। अब बहुत थोड़ा सा, बहुत माइनर, बिल्कुल माइनर सा कलर जो है वो रेड यहाँ पर डालेंगे, ये डालेंगे। बहुत थोड़ा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा लिप्स में भी कर देंगे, क्योंकि लिप्स अभी ये सिंगल कोट है, आप ऐसे समझिए ये हम लोग इसमें सिंगल कोट आप लोग सीख रहे हैं, इसका सिंगल कोट ये हो गया। अब इसमें डबल कोट का मतलब होता है उसके अंदर फिनिशिंग करना। अभी हमने ये सिंगल कोट सब कुछ इसमें कंप्लीट कर दिया, ठीक है, ये सिंगल कोट हमने इसका कंप्लीट कर दिया। अब हम इसमें जब काम करेंगे तो इसी डार्क कलर से कर सकते हैं पूरा। अब इसमें ये आपका फिनिश हो गया। अब इसके अंदर आप जो है एक काम करिए, हेयर में भी जो कलर है वो भी लगा देते हैं। हेलो, एक और ग्रीन वर्स डार्क कलर ये भी हमने कर दिया। बस मेरा जो वो है मोटिव, वो ये है कि आपको इजी कैसे करना है, मुझे वो मैं चाहता हूँ शुरू से ही। मैं आपको जो इजी पेंटिंग लेके चला हूँ वो इजी करना, मैं टफेस्ट आपको आपको बताऊँगा, ऐसा नहीं है, टफेस्ट मैं आपको बताऊँगा और आप लोग को समझ में आएगा कि टफ एक्चुअल में क्या होता है, जो टफ है वो होता क्या है, आपकी समझ में आएगा। जब 1 घंटे में 2 इंच 3 इंच काम होगा तब आपको लगेगा कि हाँ ये टफेस्ट है। उसके लिए जो है वो थोड़ा सा अलग काम करना होता है, वो अलग ही है, उसका पूरा फॉर्मेट ही अलग है। देखिए मेरा इरादा इसमें जो बताने का है वो आप ध्यान से देखिए। पहली चीज़ ये कि लोग एक्रेलिक को बहुत ज़्यादा ह्यूज में काम करते हैं, उसके अंदर काम कर देते हैं बहुत ज़्यादा कलर लगा के। मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ आप लोग कम कलर लगाइए और कम कलर के अंदर जो है वो इफ़ेक्ट आपको पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि इफ़ेक्ट पता नहीं चलेगा, कम में ही इफ़ेक्ट पता चलेगा। यहाँ पर आप ये कर दीजिए, बस इसमें कहीं पर भी ओवर वर्क नहीं करते हैं। आप बड़ी से बड़ी पेंटिंग इस टेक्निक में बनाइए, तब मैं आपको समझूंगा कि हाँ आप बड़ी से बड़ी पेंटिंग सिर्फ इसी टेक्निक में, ये आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत पानी की तरह कलर उसमें लगाइए और पानी की तरह लगा के छोड़ दीजिए बस। आप जब बाद में उसको फिनिश करना हो तब आप उस चीज़ को फिनिश करिए।
पहले उसको पानी की तरह पूरा फिल कर दीजिए। कहाँ कहाँ पर आपको क्या क्या लगाना है तो अभी मैं इसमें इरादा था मेरा कि मैं फेंक के फिर कलर और फिर बना के दूँगा, लेकिन वो मैं तो फेंक दूँगा, मैं बना भी दूँगा, लेकिन आप लोग जो हैं वो जब फेंकोगे तो उससे बनेगा कुछ नहीं। अब देखिए जब तक ये सूखेगा तब तक मैं आपको इसकी आइस कंप्लीट करके दिखाता हूँ। आइस का थोड़ा थोड़ा काम, वो कलर जो है वो सूख गया है। कुछ करना नहीं है, बस सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे चैनल के ऊपर आपको कुछ करना नहीं है, थोड़ा काम करना है, उसका रिजल्ट इफेक्ट उसका जो है वो ज़्यादा होना चाहिए मेरे हिसाब से। आप देखेंगे आपको लगेगा कि वो जो है वो जो मैं बता रहा हूँ आपके लिए वो बिल्कुल करेक्ट है। ज़्यादा एक्चुअली होता ये है कि ज़्यादा जब काम हो जाता ना पेंटिंग फिर उसी से ख़राब होती है और किसी चीज़ से नहीं होती। देखिए आइस भी मैं बना रहा हूँ तो आइस कितने इजी और कितने उससे बना दिए, कुछ भी नहीं किया इसमें। बिल्कुल इजी, बीच में डार्क कलर लगाया और लगाने के बाद एक्चुअल में एक छोटी सी प्रॉब्लम है जो आप लोग सोचते हो या फिर वो हर स्टूडेंट हर बिगनर सोचता है कि वो पेंटिंग सुंदर बनाएगा, बस यहाँ पर आके प्रॉब्लम होती है और कुछ नहीं। पेंटिंग सुंदर होती नहीं है, उसको किया जाता है छोटे छोटे अपनी मेहनत से, छोटा छोटे काम से, छोटा छोटा आप उसके अंदर ब्यूटी जब कंप्लीट हो जाती है तब उसके अंदर ब्यूटी पता चलती है कि इसमें ब्यूटी कहाँ पर दिखाई दे। अब देखिए यहाँ हमने किया, बस ऊपर की लाइन आपने ये कंप्लीट करते ही आइज जो है अपना रोल दिखा देगी। बाद में थोड़ा सा ब्लैक कलर भी लगाएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी सिर्फ हमने जो है उसी कलर से जो डार्क और मीडियम और लाइट कलर से ही इसे कंप्लीट करा। अब इसमें अंदर इसके लाइट वो लगा दीजिए, आगे मैं जो है वो कोशिश करूँगा अपने वाले काम तक आपको लेके चलूँ कि मैं जो काम करता हूँ उसमें भी आपको दिखाना पड़ेगा मुझे। अगर आइज़ में आपके ये प्रॉब्लम हो जाए, थोड़ा सा वाइटनेस कम हो जाए, तो आप वाइट कलर का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको बन गया, थोड़ा सा ब्लैक कलर भी चाहिए। बहुत माइनर,
एज लाइक वाटर कलर, ऐसे समझिए कि आप वाटर कलर पे काम कर रहे हैं। लेकिन वाटर कलर में और इसमें फ़र्क क्या है ये भी आप सुन लीजिए। वाटर कलर को आप सिर्फ पेपर पे कर सकते हैं, वो परमानेंट नहीं होता, लेकिन ये आपका जो है वो आपके कैनवास के ऊपर होता है, इसके लिए ये परमानेंट हो जाता है और इसको आपको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वाटर कलर को आपको 100% प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, या तो ग्लास से, या फिर आपको जो है वो उसको सेलोफेन वगैरह और वो सब लगाना पड़ेगा, जिससे कि पानी उसके ऊपर ज़रा सा टच होगा और वो जो है ख़राब हो जाएगा। बस एक्रेलिक, इसलिए एक्रेलिक को वाटर के इफ़ेक्ट में कैनवस पे बनाया जाता है। अभी इसकी आई लेशेज नहीं बना सकते हम, आई लेशेज बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। बस अब ये आईज बनते ही कंप्लीट हो जाती है पेंटिंग, आईज बनते ही। आईज बनी नहीं और पेंटिंग कंप्लीट हुई नहीं। आप भी अपना 100% जो है वो आईज के अंदर दो और आप देखोगे कि आपका जो है वो पेंटिंग बेहतरीन बनके तैयार हो जाएगी। अब जब हम इसके ऊपर वाइट पॉइंट लगाएंगे, वाइट पॉइंट के लिए अगर आप छोड़ना चाहें तो छोड़िए, अगर आपको लगाना है थोड़ा सा इफेक्ट तो वो लगा दीजिए। देखिए नोज भी कंप्लीट हो गई, हल्के हल्के डार्क को जो है वो फैलाना तो है लेकिन बहुत स्लो। मैं तो इसको इसलिए ज्यादा बेस्ट समझता हूँ कि आपको इसके लिए कैनवस यूज़ करना है, ना कि पेपर। और ये इस पर अगर कैनवस यूज़ करा आपने तो पेंटिंग वैसे ही खूबसूरत बन जाएगी। अब यहाँ पर हम डार्क कलर धीरे धीरे लगाएंगे। अब लिप्स रह गए हैं हमारे लिप्स बनाने के लिए। अब ये कलर ये मुझे और बहुत ज़रूरी बताना है, वो आप लोग ज़रूर सीखें। हल्का सा रेड और वो लेके इसको पॉइंट दो लगाइए, ये दो, ये लाइन भी कर दीजिए और यहाँ थोड़ा सा काम करना है ठीक। अब यहाँ पर हम लिप्स बनाएंगे। स्केचिंग आप लोग थोड़ी थोड़ी जो है वो करते रहिए, स्केचिंग में मस्ट है, विदाउट स्केचिंग कहीं पर कुछ भी नहीं है। आप स्केचिंग करेंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा होगा इसमें, क्योंकि जो भी चीज़ है वो विदाउट स्केचिंग नहीं है। ठीक है, अब ये गीला है पूरा और अब हम जो है वो इसके अंदर यहाँ पर हेयर को बना देंगे।
की आउटलाइनिंग थोड़ी सी डार्क कर दी है। यहाँ पर भी थोड़ा डार्क कलर, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ऐसे है, वो फिलिंग होती है, ये डिटेलिंग होती है। आप पहले फिलिंग करिए, उसके बाद डिटेलिंग पे लग जाइए। फिर डिटेलिंग जब आप करिए तो सूखने के बाद करिए। मुझे तो थोड़ा गीले गीले पे करनी पड़ जाती है, आप लोग सूखने के बाद करिए, ठीक है। ये देखिए, ओके, अब यहाँ पर मैं डार्क कलर फिल करूँगा। ये फेस कट बोलते हैं, और ये रिवर्स में काम कर रहे हैं फेस को बाहर निकालने के लिए, फेस की ब्यूटी बढ़ाने के लिए हम जो है वो इसमें रिवर्स पे काम करते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा डार्क बना रहे हैं, ये नीचे भी। यहाँ भी डार्क लगाएंगे थोड़ा। ठीक है, इसमें डार्क है, थोड़ा सा पानी वाइट फिलिंग करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर आई लेशेज़ बनाने के लिए थोड़ा सा लाइट कलर चाहिए। बन गया। कितना टाइम हुआ? ओके फ्रेंड, तो अब मैं जो है ना वो बहुत फास्ट टेक कर देता हूँ, क्योंकि 29 मिनट ऑलरेडी हो गए हैं, तो मुझे लगता है नहीं कि ज़्यादा ओवर हो। इसके लिए मैं जो है इसमें कंप्लीट कर देता हूँ इसे। मुझे आई लेशेस बनानी है, थोड़ा सा माइनर सा ब्लैक भी यूज़ कर सकते हैं आई लेशेस के लिए।
तो फ्रेंड कैसा आपको लगा ये ज़रूर मुझे बताइए, और मैं जो है इसको फिनिश करूँगा, बिल्कुल फाइनल हो गया ये मेरा। माथे पर बिल्ली हो गई और मैं वाइट को भी लगा ही दूंगा, ये वाइट पॉइंट लगा रहा हूँ मैं इसमें, और इसी के साथ जो है वो कंप्लीट कर रहा हूँ। ऑर्नामेंट्स जो बनाते हैं वो हल्के हल्के वाइट का टच लगा देते हैं उसमें। तो मुझे फ्रेंड बताइए आप लोग कि आपको समझ में आया, मैंने जो है ना वो इसमें कुछ बताया नहीं है, एक्चुअली टाइम बहुत कम होता है और मेरा स्पीड थोड़ी सी स्लो है, और मैं जो है चाहता हूँ कि आप लोग बेस्ट काम सीखो। तो इसमें टेक्निक को आप पकड़ो, टेक्निक अगर आपके समझ में आ जाती है तो उसके बाद आप जो चाहो पेंटिंग इसमें इजीली बना सकते हैं। ठीक है, बस इसको बैकग्राउंड भी कर दिया और सारा कंप्लीट हो गया ये। ओके, थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर, थैंक यू। मैं दिखा भी देता हूँ हम लोग को।